धमतरी जिले के वनांचल इलाके साकरा के माध्यमिक स्कूल प्राचार्य के खिलाफ छात्र छात्राएं लामबंद हो गए हैं। छात्रों की मांग है कि प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से स्कूल से हटा दिया जाए। ऐसा ना करने पर छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आने की बात भी कह रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य स्कूल में तिलक लगाकर आने पर उन्हें आतंकवादी समेत कई तरह के अपशब्द कहकर तिलक को मिटाते हैं। जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी छात्रों के समर्थन में स्कूल पहुंचे और मामले में प्राचार्य को हटाने की मांग की। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य मनमानी करते हुए छात्रों को लगातार परेशान भी करती रहती है। तिलक सबसे पहले आप तिलक अपना मिटवाओ, उसके बाद आदेश दिया गया कि यहाँ पे कोई तिलक लगाकर नहीं आ गया, अगर कोई आता है तो टीसी दे दूंगी, ऐसा करके धमकी दिया गया। आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हम स्टूडेंट ऊपर। जब तक यहाँ से प्रिंसिपल निलंबित नहीं हो जाएंगे तब तक से हम स्कूल के बाहर रहेंगे। प्रिंसिपल का यहाँ से निलंबित होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचा है।